नहीं रावण, कहाँ है मेरी बलि? मुझे मेरी बलि चाहिए महिरावण, मुझे बलि दो, अन्यथा मैं तेरी बलि ले लूंगी। हाँ माता, बलि तो अवश्य मिलेगी। शीघ्र दो। क्या हुआ दीदी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? महादेव, मुझे आपसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। किस प्रश्न का देवी? जब सती होकर खंडित मैं ही हुई थी, शक्ति भी मैं ही हूँ, तो फिर भद्रकाली भी मैं ही हुई ना? निसंदेह देवी, भद्रकाली भी आपकी है। शक्ति के समस्त रूपों में आपका ही स्वरूप है। पर प्रभु, सती का रूप भद्रकाली इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर सकती है? कैसा अनर्थ देवी? वही रावण की साधना से प्रसन्न होकर मेरा ही रूप भद्रकाली रक्त की बलि मांग रही है। महादेव, कैसे मांग सकती है रक्त की बलि? और कौन है ये महिरावण जिसने एक देवी के अंदर ऐसी लालसा जागृत की? महादेव, देवी और पाताल लोक का राजा महिरावण है। इतना बड़ा साधक? वो तंत्र शक्तियों का स्वामी है देवी, उससे महान तंत्र शक्ति का ज्ञाता इस संसार में और कोई नहीं है। किंतु प्रभु, देवी सती के जितने भी पिंड थे वो धरती पर गिरे थे, किंतु ये भद्रकाली का पिंड जो कि सती का ही पिंड है, वो पाताल लोक कैसे पहुंचा? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है देवी, और इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले वो रहस्य जानना होगा। तंत्र के भगवान महिरावण की जय। तंत्र मंत्र के अधिष्ठाता महान ज्ञानी गुणी महिरावण की जय। संसार के समस्त पिशाच आज जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। केवल मैं महिरावण। संसार में इन्हीं शक्तियों द्वारा जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, कि यही वो शक्तियां है जिन पर देवताओं का कोई नियंत्रण नहीं है, देवताओं के अधीन नहीं है। सत्य तो ये है कि देवताओं ने तुम लोगों को मुक्ति नहीं दी। ये देवता हमारे शत्रु है, प्रबल शत्रु। अधिराज महाराज के जय। अधिराज महाराज के जय। महिरावण के जय। तुम सब अब मेरे अधीन हो, इसलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, और इसी के बदले मैं तुम्हें वो सम्मान दिलाऊंगा जो जीवन में तुम्हें कभी नहीं मिला। महिरावण की जय। महिरावण की जय। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि संसार में देवताओं का साम्राज्य ही समाप्त कर दूंगा और असुरों का साम्राज्य स्थापित करूंगा। देवताओं का छल अब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। याद रखना, जिस तरह देव और दानव कभी एक नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह तुम सब भी देव के अनुचर नहीं हो सकते। फिर चाहे वो भगवान शिव हो या विष्णु, वे सदा के लिए हमारे विरोधी थे, अब भी है और भविष्य में भी रहेंगे। किसका स्वर है ये?
कौन शिव की आराधना कर रहा है? ओ, राता रावण पुनः शिव की आराधना कर रहे हैं। रावण आप पुनः शिव की पूजा कर रहे हैं, पुनः वही निरर्थक कर्म। भ्राता रावण सुन रहे हैं आप कि मैं क्या कह रहा हूं? भ्राता रावण त्याग ये शिव भक्ति को और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तुम मेरी बात सुनो मही रावण, जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो उस उद्देश्य को लेकर वापस लौट जाओ। मैं आपको सद्बुद्धि देने आया हूँ भ्राता। सद्बुद्धि अथवा एक मूर्ख की दुर्बुद्धि? आज मैं आपको अवश्य ही मूर्ख लग रहा हूँ और मेरी बातें भी मूर्खतापूर्ण। एक दिन आएगा और मैं सिद्ध कर दूंगा कि संसार में मुझसे बुद्धिमान, मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, न कोई था न भविष्य में कोई होगा। इसलिए आपको ये परामर्श देता हूँ कि आप देवताओं की आराधना करना छोड़ दीजिए। तो फिर किसकी पूजा करनी चाहिए? तंत्र शक्ति की, जिससे हम प्रेत और पिशाच को अपने वश में कर सके और इस संसार में अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम महामूर्ख हो, तुम इनकी वास्तविकता को जानते ही नहीं। ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो शक्ति का एक वाण भी सहन नहीं कर सकती। इनका कोई अस्तित्व नहीं, ये छाया है छाया, जिनका अस्तित्व अंधकार में समाप्त हो जाता है। ना तो ये किसी से युद्ध कर सकती हैं और ना ही किसी संकट का सामना कर सकती हैं। आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे भ्राताश्री। देवता हमारे शत्रु है, शत्रु है हमारे विचार के, हमारे संस्कार के, हमारे विस्तार के, और ये हमारी उन्नति कभी नहीं चाहते भ्राता। इन्होंने सदा हमारे अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया, इसलिए इनकी आराधना करना व्यर्थ है भ्राता, व्यर्थ है। मैं देवताओं की आराधना नहीं कर रहा, मैं महादेव की आराधना कर रहा हूं। दादा श्री, आपको क्या लगता है कि महादेव उन देवताओं से पृथक है? आप उनकी आराधना करेंगे तो वे आपके हो जाएंगे, छोड़ देंगे देवताओं का पक्ष? नहीं भ्राताश्री, कदापि नहीं छोड़ेंगे वे देवताओं का पक्ष। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, एक दिन आपकी मृत्यु का कारण ये महादेव ही बनेंगे जिनकी आप आराधना कर रहे हैं। समझे भ्राताश्री? मही रावण, मही रावण, मेरे आराध्य पर आरोप लगाया तो मैं तेरा वध करूंगा। सत्य कटु होता है भ्राताश्री। आज आपको मेरी बात पर क्रोध आ रहा है, किंतु एक दिन आपको पश्चाताप होगा और तब आपकी रक्षा करने ये नहीं बल्कि आपका ये अनुज आएगा, क्योंकि तब वो संसार का महाशक्तिशाली प्राणी होगा। जानते हो कैसे? संसार में महाशक्ति पिंडों की स्थापना होने वाली है, समझ गए ना? उन महाशक्ति पिंडों को मैं पाताल लोक ले जाकर स्थापना करूंगा और असीम शक्ति का स्वामी बन जाऊंगा। और मेरा परामर्श है कि आप भी मेरे साथ चलिए भ्राता, साथ चलिए। इससे पहले कि मेरा क्रोध संबंध भूल जाए,
अपने परामर्श और अपनी सेना सहित चले जाओ यहाँ से, शीघ्र चले जाओ। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन एक दिन आपको मैं और मेरी बातें अवश्य याद आएगी भ्राताश्रेय, अवश्य याद आएगी। प्रभु, ये तो मैं समझ गई कि महिरावण कौन था, किंतु ये मैं अब भी नहीं समझ पाई कि असुर महिरावण को शक्ति पिंडों के विषय में कैसे पता चला। देवी, महिरावण तंत्र शक्ति का ज्ञाता था और वो ये जान गया था कि संसार में कोई अद्भुत और दिव्य घटना घटित होने वाली है। चामुंडाय नमः। दृष्टि रखो आकाश में, मैं अपनी तंत्र शक्ति के माध्यम से देख रहा हूँ। सती के आत्मदान का समय हो चुका है और ये शुभ अवसर हाथ से निकलना नहीं चाहिए। नहीं निकलेगा स्वामी, हम तैयार हैं स्वामी, हम तैयार हैं स्वामी, हम तैयार हैं स्वामी। एक चरण पूरा हो गया है, दृष्टि रखो। व्याकुल वियोगी महादेव अब सती को लेकर निकल पड़े हैं। दूसरा चरण है और तीसरे चरण में खंडन होगा और सती के अंग गिरने आरंभ होंगे। मैं देख रहा हूं, सब देख रहा हूं और स्पष्ट देख रहा हूं। सतर्क रहो तुम लोग, सतर्क। अब वो समय आ गया है, चक्र चल पड़ा है, अब किसी भी समय सती का खंडन हो सकता है और अंग गिरना प्रारंभ हो सकता है। तुम सब तैयार हो जाओ। हम सब तैयार हैं स्वामी। खंडन हो चुका है, जाओ दौड़ो, पकड़ो उस शक्तिपिंड को। एक भी शक्तिपिंड धरती पर गिर ना पाए। यदि धरती पर एक भी शक्तिपिंड गिरा तो तुम उसे उठा नहीं पाओगे। याद रखो, सतर्कता रखो, जाओ पकड़ो इन पिंडों को, जाओ। आज एक भी पिंड धरती पर नहीं गिरेगा, मैं सारे पिंडों को पाताल लोक लेकर जाऊंगा और उन्हें वहां स्थापित करूंगा। सारे नष्ट हो गए, असंभव। मेरी सेना नष्ट हो गई, लेकिन ये सारे पिंड गए। एक पिंड शेष है, मैं इसे धरती पर नहीं गिरने दूंगा। ये पिंड मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं।
मैं इसे पाताल लोक लेके जाऊंगा। ये तो अनर्थ हो गया। आदिराज, उसने पवित्र शक्ति पिंड को धारण कर लिया। अब क्या होगा? कहीं इस सृष्टि में भारी संकट की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। मैं विजयी हो गया, मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया है। धरती पर गिरने से पहले ही मैंने पिंड को पकड़ लिया है, इसे प्राप्त कर लिया है, ये मेरा है। अब मैं जैसा चाहूंगा, जिस रूप में चाहूंगा, इसका प्रयोग कर सकूंगा। मैंने इसे प्राप्त कर लिया, मैं इसका स्वामी हूँ। देवराज, वो क्या करेगा शक्ति पिंड का? मुझे तो आभास होता है वो इस पिंड को अपने लोक लेकर जाएगा। अर्थात पाताल लोक। यदि वो इस पिंड को लेकर पाताल लोक चला गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देवराज, इसे रोकना होगा, इसे रोकना होगा। चिंता ना कीजिए देवगन, शक्ति पिंड की रक्षा करने भैरव अवश्य आएंगे। भैरव नहीं आएंगे देवराज। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ देवराज, मही रावण ने शक्ति पिंड को धरती पर गिरने से पहले ही धारण कर लिया है, और ये इसे जहां भी स्थान मिलेगा स्थापित कर देगा। और भैरव तब तक जागृत नहीं होंगे जब तक कि शक्ति पिंड की स्थापना ना हो जाए या उस पर किसी प्रकार का संकट ना आ जाए। देवराज कुछ कीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि धरती से पुण्य और धर्म का विनाश आरंभ हो जाए। इससे पहले हमें कुछ करना होगा। दादा रावण, तुम देवताओं की आराधना करके भी उस शिखर तक नहीं पहुंच पाए जहां बिना देवताओं की पूजा आराधना करके मैं पहुंच गया। अब देखना कि मैं संसार का कैसे सबसे शक्तिशाली असुर बनता हूं। देखो ब्रदर रावण, देखो, मेरे पास संसार की सबसे महान शक्ति है, सती का पिंड। शक्ति का मुख्य स्रोत है मेरे पास। अब मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं, न कोई देव, न कोई दानव, ना ही कोई मानव, क्योंकि संसार में अब सबसे शक्तिशाली मैं हूं, महान शक्तिशाली असुर वही रावण। देवतागण, मुझे पता था कि तुम लोग अवश्य आओगे मेरे मार्ग में विघ्न डालने। तुम्हारे मार्ग में हम विघ्न डालने नहीं आए हैं मही रावण, अभी तू सृष्टि के संचालक कार्य जो तुम विघ्न डाल रहे हो उसे दूर करने आए हैं। मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे पाताल लोक जाने दो। शक्ति पिंड को अपने साथ नहीं ले जा पाओगे तुम? तुम देवताओं ने सदा ही अपने से अधिक शक्ति प्राप्त करने वालों के साथ कपट किया है, उसकी साधना तपस्या और योग भंग किया है, किंतु मुझ पर ये तुम्हारा दाव नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूं, जिस पिंड में संसार की सारी शक्ति
दिया है। हट जाओ मेरे रास्ते से। लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे मारना सहज नहीं है इंद्रा। पापी दुष्ट सामने आओ। कायरों के भांति अधर्ष क्यों हो गए तुम? आ सामने आकर हमारा सामना कर। अब क्या करोगे इंद्र? तेरा अंत करूंगा पापी और तेरे हाथों से पवित्र शक्ति पिंड वापस लूंगा। स्वप्न है ये स्वप्न, दिवा स्वप्न जो कभी पूरा नहीं होगा इंद्र। सावधान देवराज इंद्र, आप वज्र तो चला रहे हैं किंतु इससे शक्तिपिंड खंडित हो सकता है। जो भी हो गुरुदेव, यदि आज इसका अंत नहीं किया तो यह पुनः वापस लौटेगा और हम पर प्रहार अवश्य करेगा। मैं भी देखता हूं इंद्र कि तुम्हारा वज्र मेरा नाश कैसे करता है। तेरे वज्र में शक्ति है या मुझ में? चलाओ वज्र, चलाओ। ये क्या गुरुदेव? ये अपने लोक में गया, पाताल लोक। और वो उस पिंड को लेकर चला गया देवी। प्रभु, इस शक्ति पिंड में देवी सती के शरीर का कौन सा अंग था? इस पिंड में माता सती के दाएं पैर का अंगूठा था देवी। इस अंगूठे में क्या शक्ति थी प्रभु, क्या महिमा थी? माता सती के उस दाएं अंगूठे में उनका तंत्र बसता था। अर्थात तंत्र की सिद्धि करने वाले देवी के इसी शक्ति पीठ में आराधना करते हैं। हाँ देवी, क्योंकि वो तंत्र साधक था इसलिए उसने भद्रकाली को अपने तंत्र मंत्र की शक्ति में बांध लिया था। भद्रकाले प्रकट हो, प्रकट हो माता, प्रकट हो। हे भद्रकाले प्रकट हो, प्रकट हो माता, प्रकट हो। हे भद्रकाले, अब तुम मेरे अधीन हो और मेरी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति तुम्हें करनी होगी। संसार की कोई भी माया जो मैं चाहूं वो तुमसे रचवा सकता हूं और वो तुम्हें रचनी ही होगी माता। तुमने मेरा आह्वान किया। हाँ माता। तो जब बुलाया है तो ला बलि दे। अब बिना बलि के मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे बलि दो अन्यथा मैं तेरी बलि ले लूंगी। हाँ माता, बलि तो अवश्य मिलेगी। शीघ्र दो। इतनी भी आतुरता क्या?
आज ऐसी बलि दूंगा माता कि तुम तृप्त हो जाओ। पुण्य आत्माओं की बलि दूंगा माता, पुण्य आत्माओं की। आज मैं तुम्हें इनकी बलि दूंगा, इनकी। तू इनकी बलि देगा मुझे? हाँ माता, आज मैं तुम्हें इनकी ही बलि देने वाला हूँ। किंतु ये तो पुण्यात्मा है जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, फिर तो इनकी बलि क्यों देना चाहता है? मेरे लिए कोई पुण्यात्मा नहीं और ना ही कोई पाप आत्मा है माता। मेरी दृष्टि में सभी समान है। आज तुम्हें इनकी बलि देकर ही रहूंगा। मेरे द्वारा दी गई ये बलि तुम्हें स्वीकार करनी ही होगी, करनी होगी माता। तुम पाप कर रहे हो, ये अधर्म है, ये अपराध है। ऋषि, अधर्म और अन्याय मैं नहीं करता, तो कहो 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 अपनी माता से कृपा करे तुम पर, ना करे तुम्हारी बलि स्वीकार। कहो। अवश्य कहूंगा, माता हमेशा कृपा करती है, हम उनकी संतान है, वो हमेशा दया करती है, हमेशा रक्षा करती है हमारी। माँ दया करो माँ, कृपा करो माँ। अब तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, अब मैं अपना धर्म और नियम पूर्ण करूं। पुत्र धारण करेगा। मेरा पुत्र धारण करेगा। कैसा है मेरा पुत्र? संसार में आने के लिए व्यग्र है। कभी कभी तो ऐसा बोध होता है कि समय चक्र को तोड़कर ये पल भर में बाहर आ जाएगा। कभी कभी तो मैं स्वयं को असमर्थ पाने लगती हूँ इसे रोक के रखने में। अभी आपको उसे रोकना होगा, क्योंकि उसके धरती पर आने का समय हुआ नहीं है, और जब समय होगा मैं बताऊंगा। किंतु और कब तक इसे धारण करके रखूं अपने गर्भ में? 5 वर्ष हो गए, और कब तक? जब तक सही समय ना आ जाए। ये मेरी तंत्र शक्ति और तपस्या का ही फल है, जो 9 महीने के स्थान पर 5 वर्ष तुम इसे अपने कोख में धारण किए। मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र उस समय धरती पर आए जब इस संसार में उसके पिता मही रावण का राज हो, क्योंकि तभी मेरे पुत्र का सामना करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। लोग इससे भयभीत होंगे। मैं अपने पुत्र को एक कतुलनीय असुर के रूप में देखना चाहता हूं, कि संसार में इसके समान न कोई अधर्मी हो और ना ही कोई पापी हो, अनूठा हो, इकलौता हो,
क्योंकि मेरे पश्चात इसी का राज हो, इसलिए कुछ दिन और कष्ट में रहना होगा तुम्हें। तो ये लो माता का प्रसाद, तुम्हारे लिए लाया हूं, पिला दो इसे। पुत्र, तुम्हें ऐसी शक्ति अर्जित करनी है गर्भ के अंदर कि संसार में वो किसी के पास भी ना हो। प्रिय, तुम्हें पता है इसका नाम मैंने क्या सोचा? क्या सोचा है? मैं रावण का पुत्र, अही रावण। रावण, रावण, इस समय कौन पुकार रहा है मुझे? आपकी भ्राता रावण। रावण, शिव भक्त रावण, इसे क्या आवश्यकता आन पड़ी इस समय? वो तो वहां जाकर पता करना पड़ेगा। भ्राता रावण, मैं जानता था कि एक दिन आपको इसी मही रावण की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। आप पुकारेंगे मुझे क्योंकि इस संसार में एकमात्र मैं ही श्रेष्ठ हूं तंत्र शक्ति में। किंतु इस करुण स्वर में पुकारने का कारण क्या है? ऐसा हुआ क्या है उनके साथ? सामने जाने से पहले जान तो लूं। ये तो यज्ञ कर रहा है। अमोघ यज्ञ, यदि आज इसने ये तपस्या पूर्ण कर ली तो संसार में सदा के लिए ये अजय हो जाएगा। बजे फेहूं फट स्वाहा, और इसे फिर कोई भी नहीं हरा सकेगा। महादेव, मेघनाथ किसकी आराधना कर रहा? रावण का महाप्रतापी पुत्र मेघनाथ युद्ध में विजयी होने के लिए माता निकुम्भला की आराधना कर रहा था। यदि वो अपने इस अनुष्ठान में सफल हो जाता तो वो अजय हो जाता। उसके इसी प्रयास को विफल करने के लिए श्री राम के अनुज लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान इत्यादि वानर उस गुफा में पहुंचे जहां वो अनुष्ठान कर रहा था। बजे बजे फेहूं फट स्वाहा, लक्ष्मण ये समय सोचने का नहीं, कर्म करने का है। चाहिए मेघनाथ का वध कर दीजिए।
नहीं। क्यों भैया? क्योंकि अगर ये यज्ञ और ध्यान भंग किए बिना इसका वध करेंगे तो अनुचित होगा, और अगर ऐसा किया तो असुर लोक और रघुकुल में कोई अंतर नहीं रहेगा। सारा संसार हमें छली के नाम से जानेगा। हम वानर इस कार्य में सहयोग करने के लिए आपके साथ हैं। नल नील, इस यज्ञ को भंग कर दो। हाँ प्रभु, हम तैयार हैं। हाँ, हम भी तैयार हैं। इसका यज्ञ ऐसे भंग नहीं होगा। तो फिर ये यज्ञ कैसे भंग होगा भैया? इसका ध्यान भंग करने के लिए इसको पूजा की वेदी से उठाना होगा, अर्थात इसकी विधि को भंग करना होगा। हनुमान, इसका ध्यान भंग करना होगा।